Good morning, all of you, and welcome again to Spin Academy YouTube channel. In this video, we will discuss about the most important and most different elements of the periodic table. ये जो topic है ये बहुत ज़्यादा important है, बहुत ही ज़्यादा important है. अगर हम बात करें class 9 से लेकर competition तक ये elements questions में पूछे जाते हैं. तो ये जो वीडियो है ये क्लास 9 से लेकर कंपटीशन की तैयारी करने वाले क्लास 9, 10th, 11, 12, NIIT, NEET और प्लस अलग से जनरल साइंस में जो कंपटीशन में आती है उसमें इन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है. सो इस वीडियो में हम वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जिनके नेम पीरियडिक टेबल में नेम अलग है, सिंबल अलग है, जिनके इंग्लिश नेम से रिप्रेजेंट किए गए हैं जबकि सिंबल अलग है, जो कि ग्रीक नेम से पुटअप किए गए हैं या फिर लैटिन नेम हम बोले तो उससे पुटअप किए गए हैं. तो आपके पास बाकी जो पीरियडिक टेबल में जितने भी नेम्स हैं वो लैटिन नेम ही है सारे के सारे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके इंग्लिश नेम है, लैटिन नेम यूज नहीं किए गए, इसीलिए हमें वहां पर उनके नेम और उनके सिंबल डिफरेंट डिफरेंट नजर आते हैं. तो ऐसे अगर हम मोटा मोटा सीधा सीधा देखें तो पूरी पीरियडिक टेबल में ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिनके नेम और सिंबल डिफरेंट है. ऐसे पूरे के पूरे पीरियडिक टेबल में अगर आप पूरी पीरियडिक टेबल में देखोगे तो आपको नजर आएंगे ऐसे 11 एलिमेंट्स हैं जो कि आपके सामने हैं. ऐसे टोटल 11 एलिमेंट्स हैं जिनके नेम और सिंबल डिफरेंट है. हम वन वन करके उन सबको फिनिश करते हैं जिनके नेम और सिंबल्स अलग है पूरी पीरियडिक टेबल में. वो कौन से हैं जरा देखिए. जैसे फर्स्ट आता है सोडियम. सोडियम उसका इंग्लिश नेम है. ये जितने भी लिखे हैं वो सब क्या है, इंग्लिश नेम है. और यहां पर उनके सिंबल है जो कि कहां से लिए गए हैं, उनके लैटिन नेम से लिए गए हैं. आइए सोडियम. सोडियम जो है आपका क्या है, नेम है सोडियम, लेकिन नेम स्टार्ट होता है SO से जबकि नेम इसका N है. हाँ, अगर हम पीरियडिक टेबल के एलिमेंट्स के नोमेनक्लेचर को देखें तो उसमें जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल एंड सेकंड लेटर ऑलवेज स्मॉल होना चाहिए. इट शुड बी स्मॉल. फर्स्ट शुड बी कैपिटल एंड सेकंड लेटर शुड बी स्मॉल. अगर टू सिंबल्स लिए गए या टू उसमें लेटर लिए गए हैं तो अगर सिंगल लेटर लिया है तो कैपिटल ही होगा. तो जैसे कि यहां पर सोडियम में टू लेटर लिए गए क्योंकि एन नाइट्रोजन एक ऑलरेडी हमने यूज किया हुआ है, इसीलिए सोडियम को डिफरेंट करने के लिए उसके दो लेटर लेने पड़े. तो एन ए ये कहां से आया, नेट्रियम से. सोडियम का क्या है, नेट्रियम. पोटेशियम का क्या है, के है, तो कहां से आया, केलियम. आयरन का है, आयरन का एफ ई होता है, तो कहां से, फेरम से, है ना. कॉपर है तो कॉपर जो है इसमें CO, कॉपर की स्पेलिंग में क्या है, CO है, लेकिन इसका CU सिंबल होता है, तो ये कहां से है, क्यूप्रम से, है ना, क्यूप्रम से है. और ध्यान रखना CO किसका होता है, कोबाल्ट का होता है सिंबल. और यहां पर कॉपर है तो कॉपर का CU, यानी उसका नेम क्या है, लैटिन क्यूप्रम है. सिल्वर जो है वो क्या है, एजी. अब सिल्वर में ये तो नेम इससे स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका तो सिंबल एजी है, तो वो किससे है, अर्जेंटिनम से. किससे, अर्जेंटिनम से. फिर आया टिन. टिन आपका एसएन है, उधर इंग्लिश में नेम टिन है, इधर एसएन है. एसएन है तो वो किससे है, स्टेनम से. किससे है, स्टेनम से. फिर आ गया आपका एंटीमनी. क्या है, एंटीमनी एसबी. एंटीमनी एसबी. और ये किससे होता है, एंटीबियम से. किससे, एंटीबियम से, सॉरी स्टीबियम से. ये किससे, स्टीबियम से. तो एंटीमनी जो है वो किससे है, एंटीमनी एसबी स्टीबियम, है ना. और अब क्या है आपके पास, टंगस्टन. टंगस्टन का होता है डब्लू, है ना, जो बल्ब में फिलामेंट्स होता है ना वो टंगस्टन. तो टंगस्टन का डब्लू वो क्या है, ऑल्फ्राम. क्या है, ऑल्फ्राम है. फिर आया आपका गोल्ड. क्या है, गोल्ड. गोल्ड का एयू होता है, तो गोल्ड का तो नेम तो जी से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका सिंबल क्या है, एयू. वो कहां से आता है, ऑरम से. कहां से आता है, ऑरम से. फिर आ गया मर्क्यूरी. क्या है, मर्क्यूरी. मर्क्यूरी जो थर्मामीटर में इनमें यूज की जाती है ना, तो वो क्या है, एचजी. मर्क्यूरी का क्या है, एचजी. और वो कहां से आया, हाइड्रा गैरम, है ना, हाइड्रा गैरम. इसमें एक
आर और ए, आर ए आर है, लेकिन इस आर के पहले ए है तो ये आर साइलेंट हो जाएगा। तो आपके पास क्या है, हाइड्रागैरम, फिर आपके पास क्या है, लेड, क्या है लेड, लेड है पीबी, लेड क्या है पीबी। अब पीबी कहां से है, प्लम्बम से, कहां से है प्लम्बम से, कहां से है प्लम्बम से। ये जो टोटल 11 एलिमेंट्स है, इन 11 एलिमेंट्स के नेम और सिंबल डिफरेंट है इन पीरियडिक टेबल में, तो आपको यही लर्न करने, टोटल 11 पहले माइंड में क्लियर रखें, कितने एलिमेंट्स हैं, 11 एलिमेंट्स हैं, और 11 एलिमेंट्स में से कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इनमें से ही क्वेश्चन पुट अप होता है ना। तो ये आप एक बार पूरा क्लियर कर लें, ताकि आगे जाके सिंबल और इनसे नेम से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। और ऐसा एक क्वेश्चन पुट अप होता ही है, इसमें से डायरेक्ट कभी ना कभी कोई ना कोई एक क्वेश्चन कंपटीशन में जरूर आता है। इसीलिए ये 11 एलिमेंट्स आप 2 से 3 बार अपने नोटबुक में बार बार लिखें, तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे। हम फिर रूबरू होंगे किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।